उज्जैन से है। उज्जैन भैरवगढ़ के बरखेड़ी गांव में पुलिस ने कच्ची शराब के कारोबार में लिप्त महिला को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ग्राहक बनके शराब खरीदने पहुंची थी। इस दौरान पुलिस को छोटी छोटी थैलियों में भरे हुए शराब के पाउच भी मिले हैं। पुलिस ने बोरे में भरी शराब से पाउच जब्त किए, जिसमें करीब 5 लीटर शराब मिली। क्षेत्र में लंबे समय से कच्ची शराब के पाउच बेच रही महिला की जानकारी पुलिस को मुखबिर से मिली थी। पुलिस ने कार्रवाई की तो अवैध शराब बेचने वाली इंद्रा सासी मौके से फरार हो गई, जिसे पुलिस ने बाद में पीछा कर पकड़ा। कार्रवाई का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक बोरी से बड़ी मात्रा में शराब की थैलियां निकालते हुए तस्कर नजर आ रहे हैं। इससे पहले भैरवगढ़ क्षेत्र में एक सरपंच जहरीली शराब कारखाना संचालित करते पकड़ा जा चुका है। अक्टूबर 2020 में उज्जैन शहर में झिंझर कांड हुआ था, जिसमें जहरीली शराब पीने से शहर के 16 लोगों की मौतें हुई थी। भोपाल से सीएम के निर्देशन में एसआईटी ने जांच शुरू कर जिले भर में छापामार कार्रवाई हुई। 81 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया था। इस पूरे कांड में पुलिसकर्मी सहित नगर निगम के अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई थी। टीआई प्रवीण पाठक ने बताया कि महिला के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। वह उससे पूछताछ कर पता किया जा रहा है कि वह शराब कहीं से लेकर आती थी अथवा घर पर ही बना रही थी।